भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान और भविष्यवाणी एक बार फिर फेल होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली NCR में बारिश नहीं हो रही है जैसे कि पूर्वानुमान जताया गया था। दरअसल दिल्ली NCR में मानसून सक्रिय तो है लेकिन अब थोड़ा सुस्त पड़ने लगा है। शायद इसीलिए सोमवार को दिन भर बारिश का इंतजार ही होता रहा। बादल तो कई बार छाए लेकिन बरसे एक बार भी नहीं। मंगलवार को भी केवल गर्जन वाले बादल बनने का ही पूर्वानुमान है लेकिन बारिश होने के आसार नहीं है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम सामान्य से 2 डिग्री अधिक 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 61 से 93% रहा। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार है लेकिन बारिश नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के अंतिम 3 दिन अब ज़्यादा बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि 1 और 2 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है लेकिन तेज बारिश होने के तो बिल्कुल भी आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली NCR में सुबह और शाम का मौसम में ठंडेपन महसूस होने लगी है। बारिश थमी तो प्रदूषण बढ़ा है। एयर इंडेक्स 100 के पार बारिश थमते ही दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।